मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब मैं मानसून का वीडियो और वेदर का वीडियो तो बना रहा हूं, लेकिन मुझे इस वीडियो बनाते हुए समय कोई भी खुशी नहीं हो रही, क्योंकि जो फोरकास्ट है वो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। आगे मानसून कमज़ोर ही रहने की संभावना नज़र आ रही है और किसान भाइयों के लिए बुरी खबर यही है कि ज़्यादातर इलाके भारत के अब सूखे जैसे हालात देखने वाले हैं और इस समय मानसून 8% की कमी के साथ बना हुआ है। जो जुलाई में अच्छी बारिश हुई थी वो सारी अगस्त के महीने में उसका जो भी फायदा मिलने वाला था किसानों को सब खत्म हो गया है। इस समय जो भी जलाशय बचे हुए हैं या इरिगेशन फैसिलिटी या सिंचाई की जो भी व्यवस्था है आप उसके भरोसे रह सकते हैं। मानसून के भरोसे रहना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। खास करके मैं बताऊंगा किन राज्यों में मानसून ज़्यादा रूठा रहेगा और किस राज्य में थोड़ा सा मेहरबान हो सकता है। तो वेदर सिस्टम अगर देखें तो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ, जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है यही एक बड़ा कारण होता है जो मानसून को ऊपर नीचे यानी कि बढ़ाता है घटाता है। अगर ये मानसून की ट्रफ जो इस समय तराई में है अगर ये नीचे आ जाती है यानी कि इस जगह पहुंच जाती है तो ये जो इलाका है यहाँ पर यानी कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल अगले कुछ दिनों तक ऐसी कोई भी उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको पता है कि मानसून ट्रफ के जो नीचे है आप देखेंगे, ये देखिए पश्चिमी हवाएं चल रही हैं जो काले रंग का बना रहा है और ऊपर पूर्वी हवाएं चलती हैं, यानी कि इसको इस तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूमती हैं और इसको क्रॉस करती हैं। तो जो पश्चिम में है इसके यानी कि पंजाब हरियाणा और राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार ये पूरा जो इलाका है ये पश्चिमी हवाएँ सूखी हवाएँ हैं और यहाँ पर नमी नहीं है, इसीलिए बारिश की संभावना यहाँ पर कम है। तो यही कारण है कि जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है ये हमारा साथ नहीं दे रही है। और उसी तरह से क्योंकि अलनीनो का असर अब दिखाई देने लगा है तो जो भी लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो यहाँ पर बनने चाहिए थे, खास करके जो बंगाल की खाड़ी में बनने चाहिए थे, यहाँ पर अगर कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता और आगे आता या लो प्रेशर एरिया बनता और आगे आता तो ये जो इलाके हैं ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखते जो हमने जुलाई में देखा था। एक के बाद इस तरह के वेदर सिस्टम आए थे और उसने काफ़ी अच्छी बारिश दी थी, लेकिन इस तरह का कोई हालात बनने की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। तो इसीलिए मानसून थोड़ा सा कमज़ोर रहने की संभावना है और हमें ये लग रहा है कि सितंबर का महीना भी सामान्य से कम बारिश देखेगा। जो अलनीनो का हमें खतरा शुरुआती दौर से नज़र आ रहा था इसीलिए स्काई मेट ने 94% रेनफॉल बताया था यानी कि सामान्य से कम बताया था और जो प्लस माइनस 5 का जो रेंज दी थी 89% से लेकर के और ये 98% तक बताया था। तो वही है कि उसके भी लोअर साइड में जा रहा है। तो हो सकता है कि मानसून सूखे जैसे हालात में समाप्त हो, 90% से भी नीचे जा कर के समाप्त हो जाए। तो अब शुरू करते हैं कि वेदर कैसा रहेगा। तो पहाड़ों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, पश्चिमी वाले क्षेत्र जो है वो हल्की बारिश देखेंगे। कुछ इलाकों में अभी जो 1-2 सितंबर से उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश की अपेक्षा थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, भारी बारिश नहीं होगी, मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, लैंडस्लाइड मडस्लाइड का खतरा फिर भी बना रहेगा। तो अभी फिलहाल पहाड़ों पर जाना खतरनाक हो सकता है, कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो मत जाइए, अपना जीवन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी काम बाद में होते रहेंगे। तो ये 15 सितंबर के बाद आप जब जाएंगे तो हालात काफ़ी ज़्यादा सुधर चुके होंगे, तब आप जा सकते हैं। अब पंजाब की तरफ चलते हैं तो पंजाब में हम देखेंगे कि गुरदासपुर पठानकोट ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतियाँ हो रही हैं और अभी भी चांसेज है हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी जो इलाके हैं अब वो पूरे इलाके अब शुष्क रहने वाले हैं। अगर हम देखें तो ये जो इलाका है जैसे कि अब आप देखेंगे कि अमृतसर में भी हल्की फुल्की बौछारें कभी कभी पड़ जाती हैं, उसके चांसेज हैं, लेकिन ये जो पूरा इलाका है आपका ये यानी कि फरीदकोट हो गया, मुक्तसर साहिब है, फिरोजपुर है, तरन तारण है, कपूरथला है, जलंधर, बरनाला, मनसा, संगरूर ये जो इलाके हैं ये सूखे रहेंगे। यहाँ पर पश्चिम दिशा से यहाँ से इस तरह से जो हवाएं हैं वो लगातार चलती रहेंगी जो पाकिस्तान से आ रही हैं और पाकिस्तान में मौसम शुष्क है। तो ये जो इलाके हैं पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा, यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर उसी तरह की बात करें तो पंचकुला है, यमुनानगर है जो हिमाचल से लगा हुआ है, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन अम्बाला में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, भिवानी, रेवाड़ी ये जो इलाके हैं, नारनौल वगैरह ये पूरे इलाके पूरी तरह से शुष्क बने रहेंगे, यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं रहेगी, ये पूरा इलाका ड्राई रहने वाला है।
और उसी तरह से दिल्ली में भी हमें कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलेंगी, सुबह और शाम में गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन दिन में उमस और गर्मी फिर से बढ़ जाएगी। हालांकि उमस थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, नमी कम है, लेकिन मौसम जो है वो साफ बना रहेगा, बादल वाला थोड़े छाएंगे, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। वही हाल उत्तर प्रदेश का होने वाला है। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर की दिशा से ही जो है वो ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ इस तरह से जा रही है, तो नेपाल की पहाड़ियों पर तो मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है, ये पूरा उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से शुष्क रहेगा। यहाँ पर बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। सितंबर के महीने में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है, लेकिन जो दक्षिण पूर्वी है यानी कि प्रयागराज है, भदोही है, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, जौनपुर, इन इलाकों में हो सकता है कि सितंबर के पहले सप्ताह में कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिल जाए। उससे पहले यहाँ पर बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी जो है वो फुटहिल से, पहले क्या था कि थोड़ा सा नीचे से जा रही थी, अभी फुटहिल से जा रही है, यहाँ से जा रही है ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ। तो जो चंपारण है और सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल, किशनगंज, अररिया, यहाँ पर तो बारिश हो सकती है, लेकिन मुजफ्फरपुर हो गया, सीवान है और भोजपुर है और जहानाबाद है, ये पटना, गया और बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया, ये सारे इलाके, दरभंगा वगैरह पूरी तरह शुष्क रहेंगे, यहाँ पर बारिश संभावना नजर नहीं आ रही है। और उसी तरह से जो झारखंड है, झारखंड में भी पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहेंगी, तो यानी कि साहिबगंज, गोंडा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जमताड़ा, धनबाद से लेकर के ये जो सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, बारिश की संभावना नहीं है यहाँ पर। और उसी तरह से अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो सिक्किम से लगे हुए इलाके हैं, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर लाइट से मॉडरेट रेन होगी और यहाँ पर मौसम सूखा ही रहेगा ये पूरा इलाका। अगर हम देखें मालदा से लेकर के मुर्शिदाबाद है और पुरुलिया है, बांकुरा है, मेदिनीपुर है, 24 परगना है, हावड़ा है, हुगली है, वर्धमान, नदिया, कलकत्ता वगैरह, इन इलाकों में बारिश की संभावना अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। कोई वेदर सिस्टम नहीं बन रहा, नमी यहाँ पर नहीं आ रही है, इसीलिए यहाँ पर मौसमी गतिविधियाँ नहीं दिखाई देने वाली हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हालांकि सिक्किम से लेकर के भूटान और जो आपका असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की और एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। और राजस्थान का हाल बुरा है, और जैसे मैंने बताया कि जो किसान भाई कई ऐसे हैं जिन्होंने फसल बोई है और जून और जुलाई में बहुत अच्छी बारिश के कारण उन्होंने बहुत सारे इलाके में फसल को बो दिया, लेकिन अगस्त में बारिश नहीं हुई है और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और आगे भी अगस्त में बारिश नहीं है और सितंबर के कम पहले सप्ताह तक किसी भी राजस्थान के ज़िले में बारिश की संभावना बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। आप अपना जैसे भी इंतजाम कर सकते हैं करें, और मौसम के भरोसे न रहें, खास करके मानसून के भरोसे नहीं रहना है आपको। और वही हाल गुजरात का होने वाला है। बनसकांता, सवरकांता, महसाना, पाटन, इदार, आनंद, ये जो इलाके हैं ये काफ़ी ज़्यादा रेन डेफिशिएंट बने हुए हैं। कुछ इलाकों में बारिश अच्छी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर भी बारिश की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है, मौसम यहाँ पर सूखा रहेगा। और मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन सितंबर के पहले सप्ताह में सिंगरौली, रीवा, सिद्धी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, इन इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। 2 से 5 या 6 सितंबर तक यह बारिश हो सकती है, और हो सकता है कि आगे भी बढ़े, उसके बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन उम्मीदें ऐसी है कि उस समय हो सकता है कुछ हो जाए। ये जो इलाका है पूरा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़, ये और बलोच बाजार, सुकमा, जगदलपुर, ये सारे इलाके छत्तीसगढ़ के सूखे रहने वाले हैं, यहाँ बारिश नहीं है, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ सितंबर के पहले सप्ताह में इस पूरे छत्तीसगढ़ में हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन बारिश की संभावना बनी हुई है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ, कुछ इलाकों में खंड वर्षा हो रही है, अभी भी खंड वर्षा होती रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं है। 2-3 सितंबर से लेकर के 5-6 सितंबर तक उड़ीसा के कई जिलों में हल्की बारिश और एक दो मॉडरेट स्पेल हमें नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। अभी जो मानसून ट्रफ तो नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पर ये जो हवाएं हैं थोड़ी सी कमज़ोर हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ इलाके में पहाड़ों से ये जो समुद्र से जो हवा आ रही है, तो पालगढ़, थाने, दहानु, रायगढ़, रत्नागिरी और महाबलेश्वर, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ अगले 2-3 दिन तक हो सकती है, उसके बाद यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा।
मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र ये जो इलाके हैं पूरी तरह शुष्क रहेंगे। नंदुरबार, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, बरदा, नागपुर, वाशिम, भंडारा, यवतमाल यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। एक दो स्थानों पर हल्की हल्की खंड वर्षा हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के कोई ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में आप देखिए कि एक यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, लक्षद्वीप से लेकर के जो केरल है और दक्षिण तटीय जो कर्नाटक है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी अच्छी हो सकती हैं और कुछ इलाकों में भारी बारिश केरल में हो सकती है अगले दो तीन दिनों के दौरान। तमिलनाडु में बारिश हो रही है, चेन्नई वगैरह में बहुत अच्छी बारिश हुई है, यानी कि 320 मिलीमीटर की बारिश हो गई है अगस्त में, जबकि वो बहुत काफ़ी कम होती है, 126 के आसपास होती है, यानी कि डबल बारिश यहाँ पर हो चुकी है। तो अभी फिलहाल तमिलनाडु के कुछ इलाकों में, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, तेलंगाना और इंटीरियर कर्नाटक शुष्क रहेगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी रहने की संभावना अगले दो दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं अपडेट देता रहूँगा इस क्लाइमेट वेदर में। अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।